नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं किताबों का सार और उनके महत्वपूर्ण संदेश। आज की किताब है फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसे लिखा है विकी रॉबिन्स ने। यह किताब आपको आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के तरीकों और आदतों के बारे में बताती है। अगर आप पैसों की चिंता से मुक्त होकर जीवन जीना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। इस वीडियो में हम इस किताब का सार आपके साथ साझा करेंगे और साथ ही उदाहरण भी देंगे, ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। एक, पैसों के प्रति मानसिकता बदलें। विकी रॉबिन्स का पहला महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें सबसे पहले पैसों के प्रति अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अक्सर हम पैसे को सिर्फ खर्च करने और बचाने का साधन मानते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि पैसा हमारी मेहनत और समय का प्रतीक है। उदाहरण, जैसे अगर आप 5,000 रुपये कमाते हैं और 2,000 रुपये किसी अनावश्यक चीज पर खर्च कर देते हैं, तो असल में आप अपने जीवन के कई घंटे बर्बाद कर रहे हैं जो आपने उस पैसे को कमाने में लगाए थे। विकी बताते हैं कि हमें यह समझना होगा कि पैसा समय है और समय ही असली संपत्ति है, तो वास्तविक आय और खर्चों का हिसाब रखें। किताब का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमें अपनी वास्तविक आय और खर्चों का हिसाब रखना चाहिए। अक्सर लोग यह नहीं जानते कि वे कितना कमा रहे हैं और कितनी बचत कर रहे हैं, इसलिए विकी सुझाव देते हैं कि हमें हर महीने अपने सभी खर्चों को लिखना चाहिए और अपनी बचत का प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण, एक व्यक्ति हर महीने 50,000 रुपये कमाता है, लेकिन वह अपनी खर्चों का ध्यान नहीं रखता। जब उसने एक महीने अपने सभी खर्चों को लिखा तो उसे पता चला कि 10,000 रुपये बिना किसी जरूरत के खर्च हो रहे हैं। इस जानकारी से उसने अपने अनावश्यक खर्चों को कम कर बचत बढ़ानी शुरू की। तीन, पैसे की अहमियत समझें और उसका मूल्यांकन करें। विकी रॉबिन्स ने एक और महत्वपूर्ण विचार दिया है, यह समझना कि हमें अपनी जरूरतों और इच्छाओं में अंतर करना चाहिए। पैसे को केवल साधन की तरह देखना चाहिए, न कि अपनी पहचान या खुशियों का स्रोत। हमें अपने खर्चों का मूल्यांकन करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वे खर्च वास्तव में हमें खुशी दे रहे हैं या सिर्फ आदत बन गए हैं। उदाहरण, अगर आप महंगे कपड़े या गैजेट्स खरीदते हैं लेकिन वह खुशी लंबे समय तक नहीं रहती, तो वह खरीदारी सही नहीं है। इसके बजाय आप उस पैसे को निवेश में लगाकर भविष्य की आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। चार, आर्थिक स्वतंत्रता का मापदंड। विकी बताते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ पैसे से नहीं मापी जाती। इसका असली मतलब है कि आप अपने जीवन के फैसले बिना आर्थिक तनाव के ले सकें। आर्थिक स्वतंत्रता तब आती है जब आपके पास इतना पैसा हो कि आपको काम करने की मजबूरी न हो, बल्कि आप अपनी इच्छा से काम करें। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति ने सही तरीके से निवेश किया और अपने खर्चों को नियंत्रित किया, तो वह व्यक्ति 40 साल की उम्र में रिटायर हो सकता है और अपनी पसंद के काम कर सकता है, बजाय इसके कि वह 60-65 साल तक नौकरी करता रहे। पांच, निवेश की रणनीतियां और बचत की आदतें विकसित करें। अंत में विकी हमें यह सिखाते हैं कि हमें सही जगह निवेश करना और बचत की आदत डालनी चाहिए, चाहे वह स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। यह निवेश हमें दीर्घकालिक सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। उदाहरण, अगर आप हर महीने अपनी आय का 20% बचाते हैं और उसे सही जगह निवेश करते हैं, तो कुछ सालों में आपका निवेश इतना बढ़ सकता है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें, चाहे वह एक घर खरीदना हो या एक नई यात्रा पर जाना। कंक्लूजन, तो दोस्तों, विकी रॉबिन्स की फाइनेंशियल फ्रीडम किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने पैसे के प्रति सोच को बदलकर आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। यह न केवल पैसे की बात करती है, बल्कि जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसे सार आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।